फैक्टराइजेशन का अगला जो टाइप है वो हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टर्म करा था, टाइप किया था फैक्टराइजेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ सम, नहीं सॉरी स्क्वायर ऑफ डिफरेंस वाला, क्यूब वाला बाकी था, तो ये क्यूब वाला टाइप कर लेते हैं अभी हम लोग। अगला डिवाइड फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब, फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब क्यूब्स। इसके लिए भाई आपको क्यूब्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए और डिफरेंस का पता होना चाहिए सम ऑफ क्यूब्स का। तो सम ऑफ क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई, ये सम ऑफ क्यूब्स हो। अब एक्स क्यूब वाई क्यूब का फॉर्मूला दिखाई देगा, स्टार्टिंग में लिखवाए थे, कैसे याद रखना था इसे, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और डिफरेंस ऑफ क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता था, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे चेंज करना है साइन और इसके अंदर सारा प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले थे जिसपे हमें काम करने हैं, क्लियर। ये दो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे अभी हमें सवाल करने हैं। पहला सवाल कर ले, देखो ये फॉर्मूला करवाए थे हम तुम लोगों को, सच में करवाए थे। ये फॉर्मूला आता कैसे है देखना चाहोगे क्या, नहीं एक बार देख लो। देखो ये फॉर्मूला x प्लस वाई के होल क्यूब से ही आता है, x प्लस वाई के होल क्यूब से ही आता है, जरा देखो तो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए या पता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, पता था ना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, लिख गया आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला टर्म, देखा। उसके बाद क्या होता है बोलो, प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई, अगर इसे एक्सपेंड करके लिखोगे तो क्या होगा, थ्री, चलो कोई बात नहीं, हाँ इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर वाई, थ्री एक्स स्क्वायर वाई और प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा ही कुछ बोलिए, यही था ना, यस सर। अब अगर हम चाहें हमको ये वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सबको इधर कर लेते हैं, तो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई और माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अगर ध्यान से तुम देखो इसमें एक्स वाई है, x प्लस वाई है ना इसके अंदर, नहीं है, आओ दिखाते हैं, क्यूब है माइनस 3xy, जब कॉमन लेते थे तो x प्लस वाई भी तो होता था, x प्लस वाई भी तो होता था x क्यूब प्लस वाई, समझ पा रहे बोलिए। अब देखो इसमें 3x प्लस वाई है और इसमें 1 है, 1x प्लस वाई तो कॉमन आ ही सकता है, बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा माइनस थ्री एक्स वाई, और बचा यहां पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या आप इसे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल आप लोग छोड़ने के मान्य है, x प्लस वाई, अब देखो इसको कैसे रिजॉल्व करें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो याद ही होगा सबको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई रहने देते हैं और माइनस थ्री एक्स वाई, देखो टू एक्स क्यूब प्लस वाई, समझ पाए बोलिए। अब जरा ध्यान से देखो, टू एक्स वाई में से एक बार माइनस एक्स वाई होगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही यहां आपका रिजल्ट बोलिए। अब तुम बोले थे सर छोड़ दीजिए, नोट करिए, नोट करिए, एक्स प्लस वाई क्यूब वाला तो करवाएंगे,
क्यू है यहाँ पे, इसे नोट करिए। देखिए पैटर्न सेकंड वाले का भी पैटर्न सेम ही चलेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो एकदम फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, बस माइनस प्लस का पोजिशन थोड़ा बदलेगा, इसलिए हमने वैल्यू वही रखा है, बस माइनस प्लस ही तो पुट करना है। सेकंड वाला कहाँ से आएगा आपका, x माइनस वाई के होल क्यूब से आएगा, और x माइनस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x2y प्लस 3xy, बिल्कुल। जब आप इसे सब शिफ्ट करेंगे तो ये एडिटिव रहेगा और ये माइनस रहेगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे ये ऐसा ही रहेगा, ये तो हो जाएगा आपका प्लस, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। देखो माइनस वाला कॉमन आया, यहाँ भी एक माइनस का स्क्वायर बचा रहेगा, और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा बाबू, यहाँ पे कौन सा साइन था, प्लस वाला रहेगा, यहाँ भी माइनस वाला ही है, यहाँ भी माइनस वाला था, यहाँ पे माइनस वाला नहीं रहेगा। चलो अब x माइनस वाई कॉमन आ गया, x माइनस का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, क्या कुछ और तरीके से होगा आपका आ गया, कभी नहीं हो सकता x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैसे प्लस 2xy, इसका फॉर्मूला x माइनस का x माइनस y का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2ab 2xy, कैसे हो सकता है, यह होता है क्या, कभी नहीं, स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या मेरा नहीं आएगा, आ जाएगा कि हम पे भरोसा नहीं है क्या, x माइनस हम भी छोड़ो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ना, वही तो होता है x माइनस वाई बोल देते ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, देखो ना अभी आ जाएगा तुम्हारा, अब देखो ये प्लस ये माइनस यहाँ पे क्या आएगा प्लस, क्या ये रिजल्ट है, देखो तो यार मतलब आया तो साक्षात हम गलत थे, कोई बात नहीं रिजल्ट तो आया, मतलब हाँ लग रहा था अगर रिजल्ट नहीं रहा था लेकिन आया, आता ही था, समझ पाए, तो ये दो रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, कैसे वो अगर भूल जाए तो इसे फॉलो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, याद ही रखिए, इतना करने में करने से अच्छा है कि याद ही रहे, आइए सवाल करें। अब इसके बेसिस पे हमें एक्सपेंशन करने हैं पॉलिनोमियल का, और फिर उसके बेसिस पे हमें फैक्टराइजेशन भी करने हैं, पहले एक्सपेंशन कुछ कर लें, आइए एक्सपेंशन करें, पहला सवाल 1 plus 64x क्यूब दिख रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये 1 को आप 1 क्यूब लिख सकते हैं और 64 को 4x का होल क्यूब लिख सकते हैं, आपको दिख गया यहाँ पे a माइनस b का a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस b मतलब 1 plus 4x into a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस a 4x into 1 4x ही होगा और प्लस y स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर कितना हो गया 16x स्क्वायर हो गया, क्या और कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, इसको ये सब नहीं होगा, फैक्टराइज और नहीं कर पाओगे इसे, अगर देखो अगर ये फैक्टराइज और हुआ किसी की क्वालिटी है अगर हो गया तो करना है, नहीं हुआ तो रहने देना, नहीं होगा ये ठीक है, इसको जैसे आपको कहा जाए 16x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 को फैक्टराइज करो कर पाओगे, 16 4 4 जा नहीं हो पाएगा, 8 4 नहीं होगा, टूटेगा ब्रेक नहीं होगा, मिडिल टर्म एक्सपर्टी का हो ही नहीं सकता, इसका आंसर यही हो जाएगा ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, तो अगला सवाल बताइए 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब आसान सा है, दिख रहा होगा आपको, हाँ यार
क्या हो गया इसका आंसर? सर देख रहा थ्री एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं और प्लस फाइव वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, थ्री ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी थ्री एक्स प्लस फाइव वाई, उसके बाद ए स्क्वायर ए के प्लेस में थ्री एक्स मतलब नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ए बी फाइव से जब फिफ्टीन एक्स वाई और प्लस ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर, यही रहा आपका आंसर। देख लीजिए करेक्ट है, एक करके दिखाइए आप लोग फॉर्मूला बिठा दे क्या नहीं बिठा है याद हो गया ना, बहुत सुंदर एक करके दिखाइए आपको। एक्स प्लस वन का क्यूब प्लस एक्स माइनस वन का क्यूब, इसे सॉल्व करिए। देखो आप इसे होल के भी बना सकते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब लगाओ फिर ए माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, ऐसे भी बनेगा तो लेकिन थोड़ा लंबा होगा। एक काम करते हैं हम लोग इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक्स प्लस वन को लेट कर लेते हैं ए है और एक्स माइनस वन को बी मान लेते हैं। जरा ध्यान से देखो ये हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बना ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, समझो बात को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अब ए के प्लेस में जो है रख दीजिए, नहीं ए के प्लेस में क्या था एक्स प्लस वन और यहाँ पे प्लस है, बी के प्लेस में क्या है एक्स माइनस वन, कोई दिक्कत। अब ए का स्क्वायर करो एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी क्या हो जाएगा ए, ए बी मतलब एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन और फिर प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस में क्या है एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर को तोड़ दो आराम से, इसको करोगे तो ये माइनस वन ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे टू एक्स दिख रहा होगा दिख रहा है, इसके बाद इसको जब खोलोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और जब आप इसे करोगे ए प्लस बी टू ए माइनस ए आ रहा है यहाँ, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब ये ब्रैकेट अगर तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो लेकिन यहाँ का साइन क्या हो जाएगा होगा ना वेरी गुड, और यहाँ पे फिर आपका रहा प्लस ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। बोलो इसको खोले हम लोग, इसको ओपन कर दिए स्क्वायर छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं ना आप खुद से भी कर सकते हो। अब देखो कुछ एलिमिनेट यहाँ पे हो रहा है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल आउट, टू एक्स नेगेटिव टू एक्स पॉजिटिव कैंसिल आउट, और कुछ नहीं बस छोड़ दीजिए। अब टू एक्स यहाँ पे क्या बचा वन और वन कितना हुआ टू, टू वन कितना थ्री है, ये हो गया आपका थ्री, और कुछ बच रहा है क्या एक्स स्क्वायर, एक बच गया ना एक ही बचा एक्स स्क्वायर, थ्री प्लस एक्स स्क्वायर क्या यही आंसर, आंसर यही है हाँ यही है, समझ पाए दोबारा एक्सप्लेन करना है क्या ये वाला समझ पाए वेरी गुड। चलिए अब अगले टाइम पे आते हैं, तो जैक दो रूट वाला एक जो करवा देते हैं, आपको पता है कि क्यूब रूट एट का टू रूट टू होता है, ये सब बोले थे, 27 का थ्री रूट थ्री होता है, ये सब याद रखिएगा डायरेक्ट, नहीं तो फिर आप करना पड़ेगा आपको आई प्लस बात है रोटर है क्या ऐसे। चलिए जैसे कि मान लो ऐसा हो क्वेश्चन, प्लस वाला कुछ कर लेते हैं एग्जाम्पल फोर, ए क्यूब माइनस टू रूट टू बी क्यूब, आपको ये सीधा से दिख रहा है कि क्या करें इसके टू रूट टू को क्या कर सकते हैं रूट एट का पावर थ्री नहीं देखो टू रूट ए का पावर थ्री होगा और यहां पे क्या करें कि टू रूट टू इसमें आ जाए, क्या बोलते हैं देखो ये आपको पता है कि टू रूट टू क्या होता है रूट एट होता है ना, इसका मतलब यहाँ पे रूट एट है और रूट एट को मतलब एट को लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू रजरा टू, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका टू पे पावर वन बाय थ्री, टू पे पावर वन बाय थ्री। अब हमें टू का क्यूब करना है तो टू
का रूट क्यूब कर देंगे, क्यूब रूट टू, क्यूब रूट टू पे पावर थ्री पे पावर थ्री चलेगा, टू पे पावर, टू पे पावर थ्री करोगे तो एट हो जाएगा, रूट टू पे पावर थ्री करना पड़ेगा, है समझे? अरे भाई रूट टू पे पावर थ्री करोगे सुनो, रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू होगा ना सर, तो रूट टू टू हो जाएगा, रूट टू आया ना सब, नहीं समझे? समझे? पहले समझ लेते हैं, तो ये होगा आपका रूट टू बी पे पावर थ्री। अब आगे आपको पता है क्या करना है, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाने हैं आपको, लगाइए फटाफट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, नहीं तो यहाँ पे ए के प्लेस पे ए ही है माइनस बी, बी के प्लेस पे आपका रूट टू बी है, ए माइनस बी उसके बाद होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट टू बी का स्क्वायर क्या होगा, टू बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी, तो क्या हो जाएगा रूट टू ए बी, क्या यही है आंसर, बोलिए यही होगा ही, वेरी गुड। एक आपको करने की चाहिए सस्ता वाला, सस्ता वाला आपको देते हैं 27 थी, फटाफट इसका आंसर बताओ, ये हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, आगे बताएंगे आंसर क्या आया इसका, कितना टाइम लगा नहीं इसे करने में, दिख रहा है 2a माइनस 3b सीधा सीधा दिख रहा है, तब 4a स्क्वायर प्लस है 6ab प्लस 9b स्क्वायर, इसमें क्या सोच रहा है, तो पूछ लेते तुम ही लोग तो बनाते हो क्या, हम तो बस ऐसे ही बेटा ऐसे। चलिए अब देखिए अगले टाइप की तरफ पढ़ते हैं, या तो खुशी को कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक आप लोग बोलो, नहीं होगा सही बात है, नहीं हो तो बेहतर है। आइए देखो, अगर मान लो 2a के पावर 7 समझ रहा है और माइनस 128 तो क्या करें, बिल्कुल और कोई उपाय है कि नहीं, क्या कॉमन ले, 2a कॉमन लीजिए, जो जो कॉमन आप आए ले लिया करिए, क्या कॉमन आ रहा है 2a कॉमन आया तो बचा a पे पावर 6 और यहां बचा कितना 64, बस आप कुछ रहा ये नहीं, एक तो कॉमन आ गया ना, अब तो 2a रहने दीजिए और ये हो गया आपका कितना a बोलो स्क्वायर का पावर 3, समझ गए, वेरी गुड। और इसे लिख सकते हैं 4 पे पावर 3, आगे आपको पता है क्या करना, हम सीधा आंसर लिखेंगे 2a a क्यूब मतलब a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a पे पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16, क्या यही है आंसर, नहीं अभी तो और भी बाकी है, ये वाला टर्म टूटेगा समझे, तोड़ेंगे 2a टूटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बोलो a प्लस 2 इंटू a माइनस 2 उसके बाद a 4 स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हो सकते हो, ये ब्रेक कर सकते हो क्या, और देखो एक बार देखते हैं, ए
ए फोर प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस 16 क्या करेगा? ए स्क्वायर कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर लगता है कि आप इसे ब्रेक कर सकते हो तो कर दीजिए, नहीं कर पाए तो रहने दीजिएगा, ठीक है? अगर आप ब्रेक कर पाए तो कर सकते हैं, नहीं कर पाए तो रहने दीजिएगा, क्लियर? चलिए अगला सवाल बनाइए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता सा और सॉल्व करके आपसे बताएंगे फटाफट। ए के पावर 7 प्लस ए बी के पावर 6 इसे सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर। आसान सा आपका सवाल दे रहे हैं, सॉल्व करिए इसे। आया आंसर? माइनस बी क्यूब, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका ए माइनस बी,
ऐसा ही कुछ है नहीं, इसे एक ग्रुप कर लीजिए, ये हो जाएगा a माइनस b a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे माइनस a b, माइनस a b कॉमन आएगा, a माइनस b आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर माइनस वन, यही होगा आपका आंसर, क्लियर है। अब देखो इसका अप्लीकेशन मिटाए से, अब तुम्हें एक जिस तरह से इक्वेशन दे रखा होता था मिडिल टर्म एक्सप्लेनेटिव टाइप का, उस तरह से कैसे सवाल को सजाया जाता है देखो। जैसे हमने आपको कहा कि आपको ये वाला टर्म फैक्टराइज करना है, एक्स सिक्स माइनस सेवन एक्स क्यूब माइनस एट, क्लास के एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस एट रहता कितना अच्छा होता रहेगा। ऐसा करो करो यहाँ पे x, तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पे x स्क्वायर होना, x स्क्वायर हो इसका मतलब आप चाहते हो कि ये स्क्वायर हो, मतलब x पे पावर थ्री, हाँ बिल्कुल बता सकते हो ना। देखो इस केस में कुछ नहीं करना है कि ये जो एक्स क्यूब वाला टर्म है इसे कुछ लेट कर दो, मान लो वाई या ए मान लो, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू ए। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस सेवन ए माइनस एट वन, क्या इसे सॉल्व नहीं कर सकते तुम लोग, आराम से कर सकते करो तो जरा, क्या होगा इसमें टूटेगा ये सेवन और वन में, बिल्कुल हाँ एट और वन में, एट और वन में हाँ ए स्क्वायर माइनस एट ए प्लस ए चलेगा, माइनस ए कोई दिक्कत नहीं बोलो ना, तो भाई ए माइनस एट प्लस वन ए माइनस ए क्या हुआ, ए प्लस वन इंटू ए माइनस ए ये आया। अब देखो ए के प्लेस में किसे सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स क्यूब को कर दीजिए, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस वन इंटू एक्स क्यूब माइनस वन। अब देखो इसे तोड़ सकते हो फिर से तुम लोग, इसे कैसे करोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एक्स ही रहेगा और प्लस बी स्क्वायर चलेगा, और यहां पे क्या रहेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ही रहेगा, हाँ सर एट होगा, अच्छा एट है क्या, हाँ तो यहाँ पे एट होगा, तो एट होगा तो यहाँ पे आपका टू हो जाएगा, और ये टू होगा तो यहाँ पे टू एक्स हो जाएगा, और ये होगा आपका टू, ऐसा ही कुछ क्या समझ पाए। तो अगर मान लो पावर छः दस कुछ ऐसा भी, तो आपको इस फॉर्म में अरेंज करना है लेट वेट करके, या कोशिश करना कि जो इसके साथ फैक्टर है उसे लेट कर लें, बोली कोई दिक्कत नहीं ना, एक सवाल बनाइए। मिठाई से उत्तर रहेगा चलो उत्तर करो, बस पत्थर लिखते हैं आपको फैक्टराइज करना है एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन, आप चाहे तो इसे अलग भी कर सकते हैं ग्रुप भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 12 था अटेम्प लीजिए, थोड़ा सा सोचिए। देखिए सवाल में करना क्या है, x क्यूब दिख रहा है 3x स्क्वायर दिख रहा है 3x दिख रहा है यानी 3x a + b दिख रहा है, अच्छा इन दोनों से क्या कॉमन आएगा सोचो जरा 3x, अब बचेगा क्या x cos, ऐसा होता तो जिंदगी आराम से कटती होता ना, किसका x प्लस वन का होल मतलब आपके पास किसकी कमी, ये है सिर्फ वन चाहिए ना, ये समझे बस समझे क्या करना था, थोड़ा सा विजुलाइज करना था। अब ये वन चाहिए कि ये वन इसको देना है, ध्यान देना भले लिखने का हमने वहां भी लिखा है लेकिन ये वन उसको देना है, इसे इस वाले टर्म को वन दिया गया है, हाँ तो एक्स क्यूब
प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस सेवन माइनस वन। अब देखो ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब प्लस थ्री एक्स एक्स प्लस वन और माइनस एट। कोई दिक्कत क्या हुआ, ये एक्स प्लस वन का सॉरी यकीन सब प्लस ही होता था ना, हाँ ठीक ठीक, एक्स प्लस वन का होल क्यूब हुआ और यहां पर लिख सकते हैं क्यूब का क्यूब, इसे देखो और ये एक्सपेंड हो गया। अब एक क्यूब बी क्यूब लगा दो, एक क्यूब बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी सॉरी माइनस है ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बोलो प्लस ए बी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। टू का स्क्वायर कितना होगा, ये टूटेगा और मैं लगता आपको लगता है ना सही लगता है, ये हो गया एक्स माइनस वन। इसे जब आप तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस फोर दिख रहा है। अब कुछ कटने वाला तो है नहीं तो इसलिए जो जुड़ने वाला है जोड़ दो, एक्स स्क्वायर टू टू फोर फोर एक्स चार छ सात दैट इज योर आंसर। नोट कर सवाल नंबर अगला, देखो कह रखा है कि इफ एक्स प्लस वाई, सवाल को ध्यान से समझो, इस तरह के ढेर सारे फॉर्मेट होंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ट्वेल्व है एंड एक्स वाई इक्वल टू ट्वेंटी सेवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कुछ नहीं करना फॉर्मूला सेट करना आ जाएगा। देखो क्या आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला याद है, हाँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है ना, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है ट्वेल्व। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहने दो और ये वैल्यू कितना है, एक्स वाई का कितना है 27, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से फाइंड करें, यहाँ से करेंगे समझे कैसे, आइए सुनो इसको साइड में कर लेना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करने से तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और टू एक्स वाई ये मिलेगा, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहने दीजिए जो कि आपको चाहिए, और टू एक्स वाई का वैल्यू कितना है 27 प्रूव कर दिए, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 12 वाई स्क्वायर, देखो आया बोलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू आया कैसे। भाई देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में आता है, इसीलिए हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किया, यहाँ भी कर सकते हैं स्टेप भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 154 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 27 54, 144 माइनस 54 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0 90 आएगा, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब रहा कुछ करनी हो नहीं ना, बस ट्यूबेल इन दोनों का कितना वैल्यू है कंपेयर माइनस 27 सॉल्व करेंगे कितना होगा, ट्यूबेल में टू कंपेयर 10 में से 7 3 बचा 8 में से 2 63 सॉल्व करेंगे आंसर आएगा कितना पता नहीं, आएगा शायद 756 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत आया कहीं कभी नहीं ना, तो ठीक है फिर इतना ही करते हैं। अब इसको बनाइए कल इसके डाउट करेंगे, जो कि बच्चा कुछ प्रॉब्लम होगा डाउट से हम लोग करेंगे। आप लोग 3F कंप्लीट करेंगे 3F, बच्चा सब बोलता है सर होमवर्क नहीं देते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं 3F दीक्षा बोलो, देखो बोर्ड पे लिखते हैं 3F आपको बना के आना एक्सरसाइज आधे से दोबारा का क्लियर है, फिर इसके जो डाउट्स होंगे वो करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।